नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वायरल टॉपिक में। दोस्तों, अगर आप संविदा शिक्षक भर्ती 2018 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। न्यूज़ ना कि आप इसको बोल सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट है, एक श्योरिटी है कि इस साल भर्ती होनी ही है। तो दोस्तों क्या वो न्यूज़ है, उससे पहले तो दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे आप प्रेस कर सकते हैं। उसी के बाजू में एक बेल का आइकन आएगा, उसे आप दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपसे किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधे न्यूज़ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर है जो कि आज का ग्वालियर का एडिशन है, पेज नंबर इसका 4 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी, चुनाव के पहले होगी संविदा शिक्षकों की भर्ती जोशी। इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले संविदा शिक्षकों की भर्ती होगी। यह बात कहकर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने संविदा शिक्षकों की भर्ती को लेकर लोगों में चल रही असमंजस की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री व प्रभारी मंत्री दीपक जोशी जिले के 2 दिनी दौरे पर गुरुवार को सैलाना विधानसभा में पहुंचे। भास्कर में चर्चा में जोशी ने बताया कि चुनाव के पहले संविदा शिक्षकों की भर्ती होगी, इसकी कवायद चल रही है। मैंने परसों कैबिनेट में कहा कि जल्दी भर्ती करो, भर्ती नहीं होने से लोगों में आक्रोश है, चुनाव के पहले संविदा शिक्षकों की भर्ती करना ही है। तो दोस्तों ये पूरी ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि आप देख सकते हैं कि नवंबर में चुनाव है तो उससे पहले संविदा शिक्षकों की भर्ती होगी, ये 100% श्योरिटी है। और अगर आप देखिए, अतिथि शिक्षकों को देंगे 25% आरक्षण, जो अतिथि शिक्षक हैं पहले से स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं उनको 25% का आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों ये पूरी ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।